नमस्कार, हम सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले चलिए सुपौल, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर रंजीता रंजन अपन नामांकन दाखिल करें। तेसर चरण के तहत सुपौल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 4 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कल जाए। नामांकन के 6ठम दिन महागठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी निवर्तमान सांसद रंजीत रंजन नामांकन पत्र जिला निर्वाचन पदाधिकारी महेंद्र कुमार के सामने दाखिल कलन। नामांकन से पहले रंजीता रंजन गांधी मैदान में आयोजित आशीर्वाद सभा में उमरल जन सैलाब से आशीर्वाद लेलन और उसके बाद नामांकन के लिए रवाना भेलन। नामांकन के बाद पुनः सभा में पहुंचलन और आशीर्वाद सभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा एवं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मिन्नत रहमानी, जिलाध्यक्ष डॉक्टर विमल यादव, राजद विधायक यदुवंश यादव एवं महागठबंधन के तमाम समर्थक दल के कार्यकर्ता एवं आम जनता मौजूद चला। भाजपा द्वारा प्रचारित किया जाता है, आवाम महागठबंधन के साथ मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ लोग होते हैं जो पर्सनल रंजिश के कारण इस तरह माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। महागठबंधन मजबूत है। कांग्रेस, राजद, कुशवाहा जी, माझी साहब और वीआईपी पार्टी, हम लोग सब मिलकर मजबूती के साथ एनडीए का सामना करेंगे और उनको परास्त हुई ना ही मलिक महिला सुरक्षा हुई। आज पूरे बिहार में शराबबंदी में होम डिलीवरी शराब मिल रही है, वृद्धा पेंशन और मसूमात पेंशन नहीं मिल रही है, खाद्य सुरक्षा का अनाज नहीं मिल रहा है। तमाम ये मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी साहब के 5 साल के जुमले और झूठ और तमाम घोटाले। ये सारे मुद्दे हम लेकर लोगों के